आज अमित शाह जी का वर्चुअल रैली कांग्रेस के नज़र में वस्तुतः पैसे का अपव्यय का भोंडा प्रदर्शन था। जिस तरह से उन्होंने पूरे अपने संबोधन में एक भी तथ्यात्मक बातें न कही, बिहार के प्रवासी मजदूरों श्रमिकों के रोजगार की बात नहीं कही, और तो और 2015 के चुनाव में जो 1.25 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, उसका भी तथ्यहीन ब्यौरा दे दिया। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र ने जो पैकेज दिया था वो आखिर खर्च कहाँ हुआ, पैकेज मिला भी कि नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव को ध्यान में रखकर जो भी आज अमित शाह जी ने अपने वर्चुअल रैली में कही है, उससे बिहार की जनता और बिहार के गरीब मजदूरों को कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः अमित शाह जी ने पैसे का खर्च बड़े पैमाने पर करके एक तरह से इंडिकेशन दिया है कि आने वाले बिहार चुनाव में भाजपा कितने बड़े पैमाने पर खर्च करेगी। अगर आज के एक दिन के एक भाषण पर 125 करोड़ सिर्फ एलईडी स्क्रीन लगाने पर बीजेपी खर्च की है, तो यह कहीं ना कहीं बिहार के लाचार, अभावग्रस्त गरीबों, श्रमिकों के साथ एक तरह से मजाक करना है। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे का इस तरह से प्रदर्शन मत कीजिए। अगर हमदर्दी होती तो इन पैसों का उपयोग बीजेपी गरीबों, मजदूरों के भलाई में करती, उनके अकाउंट में भेज देती, उनके खाने पीने का राशन का इंतजाम करती, या बिहार के अस्पतालों की स्थिति सुधार देती। तो वो न करके सिर्फ भाषण पर अगर 125-200 करोड़ रुपए का खर्च होता है, तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितनी असंवेदनशील पार्टी है। आज अमित शाह जी का वर्चुअल रैली कांग्रेस के नज़र में वस्तुतः पैसे का अपव्यय का भोंडा प्रदर्शन था। जिस तरह से उन्होंने पूरे अपने संबोधन में एक भी तथ्यात्मक बातें न कही, बिहार के प्रवासी मजदूरों श्रमिकों के रोजगार की बात नहीं कही, और तो और 2015 के चुनाव में जो 1.25 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, उसका भी तथ्यहीन ब्यौरा दे दिया। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र ने जो पैकेज दिया था वो आखिर खर्च कहाँ हुआ, पैकेज मिला भी कि नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव को ध्यान में रखकर जो भी आज अमित शाह जी ने अपने वर्चुअल रैली में कही है, उससे बिहार की जनता और बिहार के गरीब मजदूरों को कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः अमित शाह जी ने पैसे का खर्च बड़े पैमाने पर करके एक तरह से इंडिकेशन दिया है कि आने वाले बिहार चुनाव में भाजपा कितने बड़े पैमाने पर खर्च करेगी। अगर आज के एक दिन के एक भाषण पर 125 करोड़ सिर्फ एलईडी स्क्रीन लगाने पर बीजेपी खर्च की है, तो यह कहीं ना कहीं बिहार के लाचार, अभावग्रस्त गरीबों, श्रमिकों के साथ एक तरह से मजाक करना है। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे का इस तरह से प्रदर्शन मत कीजिए। अगर हमदर्दी होती तो इन पैसों का उपयोग बीजेपी गरीबों, मजदूरों के भलाई में करती, उनके अकाउंट में भेज देती, उनके खाने पीने का राशन का इंतजाम करती, या बिहार के अस्पतालों की स्थिति सुधार देती। तो वो न करके सिर्फ भाषण पर अगर 125-200 करोड़ रुपए का खर्च होता है, तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितनी असंवेदनशील पार्टी है।